फाइनली एयरटेल आपके लिए कुछ नए बेनिफिट और ऑफिशियल लॉन्चेस लेके आया है, जो कि अब आपके लिए और ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाला है। जैसे कि बात करें, एयरटेल ने अपनी 5G प्लस सर्विस कुछ नई सिटियों के अंदर लॉन्च की और साथ में अब आपको और नए बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं एयरटेल के साइड से, वो भी सिर्फ आपके लिए, जो कि कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। बट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें, एयरटेल ने अपनी 5G प्लस सर्विस 4 नई सिटियों के अंदर और 2 नई सिटी के स्टेट के अंदर लॉन्च किए हैं, जिसमें कि अब आप और ज्यादा एयरटेल 5G का एंजॉयमेंट ले पाएंगे अच्छी स्पीड के साथ, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ, और कुछ जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं आप एयरटेल 5G के साथ। लेकिन वो नए बेनिफिट क्या है अब आपको एयरटेल के साथ देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि बात करें, एयरटेल ने सब अपने कस्टमर्स को इन्वाइट किया है ओपनली। बात की जाए तो पूरी इंडिया में आप कहीं पे भी रहते हो, डजंट मैटर, आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अब एयरटेल 5G को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, जैसे कि बात करें, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन हो गया या रियल एक्सपीरियंस हो गया एयरटेल 5G नेटवर्क का, VR की मदद से हो गया, या बात की जाए तो एजुकेशन पर्पज से हो गया, हेल्थ पर्पज से हो गया, या बात करें आपको स्पीड टेस्ट करनी है, डाउनलोडिंग टेस्ट करनी है, तो अब आप बहुत कुछ चीजें जाके एयरटेल के रिटेल स्टोर पे जाके, मतलब जहां भी आपके नियरेस्ट हो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसा या कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद डिटेल टू डिटेल बताएंगे, सबसे अच्छी चीज है। दूसरा बेनिफिट ये है, मतलब ये बेनिफिट भी और नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं एयरटेल की तरफ से, कि अब जो आप एयरटेल को कस्टमर केयर पे कॉल करते थे, बहुत ज्यादा होल्ड रहना पड़ता था या आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ता था, अब फाइनली एयरटेल ने टाई अप किया है एंड विद या ग्राफिक्स कार्ड कंपनी के साथ, तो अब वो AI की मदद से आपको कॉल सेंटर जैसा, मतलब बात की जाए तो आपके सिम में कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले से ही डिटेक्ट करके बता देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और कहीं ना कहीं जो 84% कॉल है वो इसी पे बेस होंगी, बाकी जो कॉल है उसके लिए मैन्युअली ह्यूमंस रख, मतलब बात की जाए तो लोग रखे जाएंगे, लेकिन जो 84% है उन्हें निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट भी है, फायदा भी है। फायदा यह है कि आपकी कंप्लेंट को या सर्विस को पहले ही, जैसे कि एयरटेल ऑलरेडी अपने एयरटेल फाइबर में यूज करता है AI सपोर्ट में, आप देखते होंगे वो टोटली कॉल करने से पहले ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो बता देता है, तो एक अच्छी चीज भी है। लेकिन यह है कि जो टाइम वेस्ट होता था, नहीं समझ पाता था, उस चीज को अब कहीं ना कहीं एयरटेल ने खत्म किया है। लेकिन वापस आते हैं लॉन्चिंग पे, जो कि कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एयरटेल 5G के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो एयरटेल के 4G डेटा प्लान पे ही वर्क करता है। डेट मीन्स ये है कि आपने 2GB या 1GB या 3GB पर डे वाला प्लान ले रखा है तो आप उतना ही एंजॉयमेंट ले पाएंगे 5G का, उसके बाद आपकी स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम की बात है, एयरटेल को कहीं ना कहीं एक फ्री कुछ और सी या कुछ दिन इस तरीके के रिचार्ज लेके आना चाहिए, जिसकी सहायता से एटलीस्ट कस्टमर 5G एक्सपीरियंस ले पाए प्रॉपर तरीके से। बट एयरटेल सुनता नहीं है, तो हम इस, मतलब हर किसी लॉन्चेस वीडियो में ये ऐड जरूर करते हैं। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप जैसे ही एयरटेल अपनी 5G सर्विस कहीं लॉन्च करता है या जियो अपनी 5G सर्विस लॉन्च करता है, तो हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। और कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वैसे तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सारी कुछ प्रॉब्लम उनमें ही कंप्लीट कर दी है हमने, सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया। बट कुछ नहीं हो तो कमेंट या व्हाट्सएप पे आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एयरटेल अपनी 5G सर्विस किस नई सिटी के अंदर और स्टेट के अंदर लॉन्च किए। सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर एयरटेल अपनी 5G प्लस सर्विस लॉन्च की है। ये थोड़ा सा पहले ही लॉन्च कर दी थी, एक पार्टिकुलर सिटी के लिए वीडियो लेके आना, इसलिए थोड़ा सा डिले कर दिया था, इसके साथ मर्ज किया। बट फाइनली चंडीगढ़ में आज 3 सिटियों के अंदर बात की जाए तो एयरटेल ने अपनी 5G सर्विस लॉन्च की है। चंडीगढ़ के अंदर, मोहाली के अंदर, पंचकुला के अंदर अब आपको एयरटेल की 5G सर्विस प्रॉपर यूज करने के लिए मिलेगी। अभी बात की जाए तो पूरा एरिया कवर नहीं किया होगा, मतलब पूरे गांव कस्बे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेन सिटी सेंटर में आपको यूज करने के लिए मिलेगी इन तीनों सिटियों में। लेकिन जैसे कि बात करें, अब कहीं ना कहीं आप एयरटेल 5G का एक्सपीरियंस भी ले पाएंगे 4G डेटा पे, बस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आप नियरेस्ट स्टोर पे जाके एटलीस्ट चेक जरूर कीजिएगा किस तरीके से वो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं एयरटेल 5G का। बट ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।